दोस्तों आज की कहानी है, सासू माँ आपको गरम रोटी खानी है तो अपनी बड़ी बहू के पास चली जाओ। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी आज मैं शाम तक आऊंगी, प्लीज आप रोहन को बस स्टैंड से ले लेना। और मैंने शाम तक का खाना बना दिया, उसके कपड़े बदल खाना खिला सला देना। आज कहाँ घूमने सला दी मैडम, सभी की सास साए का घूंट भर उसे घूरते हुए बोली। मम्मी आपको बताया था ना कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, स्कूल के बाद वहीं जाऊंगी, पापा अकेले हैं ना, सभी अपना सामान रखते हुए बोली। शाम तक रहोगी 1-2 घंटे काफ़ी नहीं मिलने के लिए, वैसे भी मरीज से थोड़ी देर के लिए ही मिलने का समय दिया जाता है। मम्मी पापा वहाँ पूरे दिन अकेले रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा। सभी सब खुश आते हुए बोली। बहू और रिश्तेदार नहीं तुम्हारे भाई भाभी को बुला लो, सभी की सास मुंह बनाते हुए बोली। मम्मी भैया के बच्चों के पेपर सर 20-20 वो कैसे आए, 2 पेपर बसे हैं, जैसे ही पेपर खत्म होगी वो तुरंत आ जाएंगे और रिश्तेदार अपनी जगह है। मम्मी मैं पापा के साथ रहूंगी तो पापा को हिम्मत बंधेगी और मम्मी की दुख तकलीफ कम। सभी अपनी सास को समझाते हुए बोली। बहू अपने माँ बाप की तकलीफ तुम्हें दिखाई देती है, मेरी नहीं चलती फिरती दिखाई देती हो, इसका ये मतलब नहीं। मुझे डर नहीं, जब अपना कोख जाया ही माँ की तकलीफ ना समझे तो दूसरे से क्या कहे। सभी की सास अपने बेटे धीरज को घूरते हुए बोली। मम्मी क्या सुबह सुबह राग अलापना शुरू कर दिया आपने, कौन सी बात नहीं सुनी जाती घर में, आपके सारा काम तो ये करके जाती है। अब 1-2 दिन अगर आप रोहन को बस से लाकर खिला पिला दोगी तो उसमें कौन सी आफत आ जाएगी, आपका ही पोता है, कोई पड़ोसी का बच्चा नहीं। अब तो खड़ी रहोगी सलना नहीं, अपने साथ साथ मुझे भी देर करोगी, धीरज अपना बैग उठाते हुए बोला। रास्ते में बाइक पर जाते हुए सभी ने धीरे से कहा, आप क्यों अपना मूड खराब करते हैं, मम्मी जी की तो आदत है। मैं अपनी माँ को तुमसे बेहतर जानता हूँ, तुम ही शुरू में आदर्श बहू बनने में लगी थी, जो आधा काम वो करती थी वो भी तुमने छुड़वा दिया, जो अब भुगतो तुम दोनों के बीच में पीसता हो। अच्छा भला ऑफिस की तरफ से घर मिल रहा था, लेकिन नहीं तुम्हें तो सबके साथ रहना था, धीरज नाराज होते हुए बोला। इतनी देर मैं सभी का स्कूल आ गया और वो अंदर चली गई, बात तो सही कह रहा था धीरज। धीरज तीन भाई, तीनों भाइयों में वह सबसे पढ़ा लिखा और समझदार, 3 मंजिला मकान में तीनों भाई ऊपर में से रहते, 2 बहनें भी थे जो अपने घर बार कुछ दिन कमाते और जो पैसा मिलता उसी से कुछ दिन बैठकर खाते हैं। हाँ बचत करने की आदत नहीं, और ऐसे पूरे 1-2 बार धीरज ने उन दोनों की अच्छी जगह नौकरी लगाने की कोशिश भी की, लेकिन काम चोरी की आदत के कारण काम ना कर पाते। वह कुछ कहता तो उसकी माँ हंसकर कह देती, अरे कर लेंगे, समय के साथ तीनों भाई अलग हो गए। लेकिन धीरज की आर्थिक स्थिति देखकर धीरज की माँ उनके साथ ही रही। धीरज की माँ को शुरू से ही काम करने की कम आदत रही थी, पहले उसकी बहनें और फिर भाभी, आप सभी भी नौकरी पैसा सभी ने साफ सफाई के लिए काम वाली रख ली थी। वैसे तो सभी अपनी सास से कुछ काम ना करवाती, लेकिन जब कभी वो बीमार हो जाती और उसकी सास को खाना बनाना पड़ता, उसमें भी वह सारा घर सर पर उठा लेती, खाना बनाती, लेकिन उससे ज्यादा सार बातें सुनाती, जिससे कि वह खाना
खाना दोनों पति पत्नी के लिए दुभर हो जाता। रोल की परवरिश में भी उनका कोई योगदान रहा। दोनों पति पत्नी को दुख तो बहुत होता, लेकिन कहते भी क्या। इसलिए रोन के 6 महीना होने के बाद सभी और धीरज ने उसे उसकी नानी के यहाँ छोड़ दिया। 2 साल तक रोन वहीं रहा। जब वह स्कूल जाने लायक हो गया तब वह ने उसे प्ले स्कूल में एडमिशन करा दिया। दोनों ही पति पत्नी को इस बात का हमेशा दुख रहा कि वह अपने बच्चे का बचपन नहीं देख पाए। घर का माहौल देख कर कई बार धीरज ने सभी को भी कहा भी कि वह ऑफिस की तरफ से जो घर मिल रहा है वह चलते हैं, लेकिन सभी हमेशा उसे समझाते हुए कहते अच्छा नहीं लगता माँ, अकेली रह जाएगी, अकेली कहाँ, उनके 2 बेटे और हैं ना, और वैसे भी उन्हें मारी कब परवाह रही, उन्हें तो अपने दोनों बेटा बहू और उनके बच्चे ही ज़्यादा प्यारे हैं। सभी तुमसे ज़्यादा मैं अपनी माँ को जानता हूँ। एक तो सभी का खुद मन नहीं था अपनी सास को अकेले छोड़कर जाने का। ऊपर से सभी की मम्मी हमेशा उसे यही सीख दी, बेटा अपनी सास के साथ रहना, बुढ़ापे में उसका सहारा बनना। घर वापस आते आते सभी को लगभग 7-8 बज गए। वह थक कर सूर हो चुकी थी। घर में पाँव रखते ही उसका माथा घूम गया। सारा घर बिखरा पड़ा था और सास सोफे पर बैठ आराम से टीवी देख रही थी। अपनी माँ को देख रोन उससे लिपटते हुए बोला, मम्मी बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। दूध भी नहीं पिया मैंने, अपने बेटे का उतरा चेहरा देख कर सभी को बहुत दुख हुआ। वह भी कुछ और कहती, इससे पहले ही उसकी सास भी ताना मारते हुए बोली, बहू अपनी माँ को संजीवनी दे आई हो तो जल्दी से खाना बना दो, बहुत भूख लग रही है। सुबह भी जल्दी में तुम उल्टा सीधा बना कर रख गई, खाकर मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने इसे भी कुछ खाने के लिए नहीं दिया, बिस्किट नमकीन दिए थे। वह देखो सारे घर में बिखरे बैठा है। बाइक खड़ी कर धीरज अंदर आया तो अपनी माँ के शब्द उसके कानों पड़े। उसे बहुत गुस्सा आया। वह कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले ही सभी अपने बेटे को गोद में लेते हुए बोली, मम्मी जब दोनों बड़ी दीदी अपने मायके जाती है या तो कभी बाजार से आते हुए उन्हें देर हो जाती है, तब आपसे उनके बच्चों की भूख नहीं देखी जाती और यहाँ से रोटी ले जाकर उन्हें खिला देती हो, नहीं तो बाहर से मंगा कर उनकी फरमाइश पूरी करती हो। और हाँ, जेठ जी के लिए तो आप गरम गरम फूल के बना कर खिलाती हो। मुझे याद नहीं अपनी बीमारी के अलावा कभी आपसे मैंने एक कप चाय बनवाई हो। अगर कभी मैं मायके गई तब उन्होंने बाहर से लाकर खाया, कोई बात नहीं, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा। लेकिन आज मेरा बेटा दोपहर से भूखा है। क्या आज ऊपर की दोनों किचन में खाना खत्म हो गया था या आपके पास पैसे? इन सब को छोड़ो, मैं तो खुद खाना बना कर गई थी और मैंने वो खाया भी और दूसरों को खिलाया भी, किसी ने उसमें कोई कमी नहीं निकाली। आप झूठ बोल रहे, क्या मुझे पता नहीं कि वो खाना आपने अपने दूसरे पोते पोतियों को खिला दिया? मेरा बच्चा पूरी दोपहर भूखा रहा, वो मेरा बच्चा है तो आपका भी तो कुछ लगता है। मम्मी मेरी जिस माँ के लिए आप जहर उगल रही हो उसके कारण ही मैं आ जा तक आपकी सभी जायदादों जानते बूझते भी सहती आई हूँ, वरना आपके बेटा तो हम सबके साथ कब का दूसरे घर में शिफ्ट हो चुका होता। बहुत सा मैंने, लेकिन अब और नहीं, मेरे दुख तकलीफ तो कभी आपको समझ ही नहीं आई।
लेकिन अपने पोते के साथ आप ऐसा व्यवहार करोगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आप हमेशा कहती थी ना कि मम्मी की दोनों बेटा बहू आपको अपने साथ रखने के लिए तैयार है, तो आप खुशी से अब किसी के साथ भी रहिए। हमेशा आपकी शिकायत रहती है कि ठंडी रोटी खानी पड़ती है, तो अब आपको आगे से गर्म रोटी मिलेगी, क्योंकि अब हम जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। चले जाना दोस्त, किसे दिखा रहे हो? सरकारी मकान एक समय बाद खाली करना पड़ता है, इतना मुझे भी पता। और जो तुम्हारे खर्चे हैं उससे तुम अपना मकान लेने से रहे हो, ले भी लिया तो सारी जिंदगी लोन ही चुकाते रहना। और हाँ, एक बार जो तुमने यहाँ से बाहर कदम रखा तो इस घर से तुम्हारा हिस्सा खत्म। मम्मी आप निश्चिंत रहिए, मुझे इस घर से हिस्सा या आपसे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। कभी ऐसी नौबत आई भी तो यहाँ तो कम से कम नहीं आऊँगा, कहकर धीरज घर समेटने लगा और सभी जल्दी से किचन में जा खाने की तैयारी करने लगी। कुछ समय बाद ही धीरज और सभी वहाँ से चल गए। बड़े बेटा बहू धीरज व सभी की तरह उनकी सेवा न करते, ना ही समय से खाना पीना मिलता। हाँ, उनकी पैसा समय समय पर किसी ना किसी बहाने जरूर हत्याते रहते। सभी के साथ सब कुछ जानती समझती थी, लेकिन करती भी क्या, उसने खुद ही तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। एक बेटा बहू को तो वह खो ही सुखी थी, दूसरे से बैर बांध कर बुढ़ापे में अकेले अपने दम पर रहना उनके बस की ना था। ये भी उन्हें पता था, इसलिए जो रूखा सूखा मिल रहा था उसी को खाकर संतोष करने में उन्हें अपनी बल